अलग बीटी एक फन हिप हॉप ट्रैक है और बहुत ही प्यारा गाना बनाया है, और इसमें हिट जोन है जो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत क्रेजी रैपर है मुंबई का, और साथ में सैज़ है। सैज़ ऑन द बीट को कौन नहीं जानता है हिप हॉप की दुनिया में, इज़ लाइक अ बिगेस्ट प्रोड्यूसर, और वॉर्नर म्यूज़िक इंडिया रिलीज़ कर रहा है गाने को, तो सारी चीज़ें हैं उसमें जो एक इंसान को एक्साइटेड करे, और ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है, और आई एम सो हैप्पी कि प्रोडक्ट इतना प्यारा है और इतना बेहतरीन बना है कि जब वो रिलीज़ होगा, अभी 4 बजे रिलीज़ है, और जब वो रिलीज़ होगा, जब ये इंटरव्यू जाएगा आई थिंक तब तक रिलीज़ हो चुका होगा, तो ये गाना लोगों को इतना पसंद आएगा और लोग ही उसके बारे में बात करेंगे, तो अलग बीटी, एक अलग ही बीटी देने वाला है लोगों को। और एडवांस पे हैप्पी बर्थडे आपको, पहले तो फैंस को रिटर्न गिफ्ट मैं बर्थडे से पहले ही दे रहा हूँ। हम लोग का प्लान दिसंबर एंड में रिलीज़ करने का था, बट फिर हम लोग का प्रोडक्शन पे कुछ चीज़ें चल रही थी ये वो, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई बर्थडे के दिन ही रिलीज़ करते, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जनता जो है इतना प्यार देती है पूरा साल, तो मैं बर्थडे के दिन उनको थोड़ा एंटरटेन करूँ, और मैं पूरा साल ही काम करते रहूँगा, ये बस साल की शुरुआत है। कुछ नहीं हुआ भाई, हम लोग बर्थडे के दिन काम ही किए पूरी ज़िंदगी, अभी थोड़े पैसे आ गए तो अभी थोड़ा पार्टी वार्टी वाले सीन होते हैं, बट पार्टी अभी भी नहीं हो रही है मेरे, दोनों दिन आप लोगों को पता है कैसे शेड्यूल है, तो बस यही है गाने के प्रमोशन को लेके ही, बर्थडे और बर्थडे के बाद वाला दिन भी, तो इसी तरह प्रमोशन में ही बिजी हूँ, तो कोई पार्टी तो नहीं कर रहा हूँ। डोंगरी में शूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और डोंगरी नहीं, आप कहीं पे भी अगर बिजिएस्ट स्ट्रीट मुंबई में अगर शूट करोगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, अगर आप व्लॉग वगैरह ठीक है, बट आप जब 30-40 लोग की टीम जब शूट करते हो सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट ये बॉम्बे है यार, बॉम्बे पुलिस को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि हम कभी भी आर्टिस्ट लोग को बॉम्बे में जो सेवाएँ मिलती है, जो सपोर्ट मिलता है, तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने वो चीज़ हैंडल करी, प्लस डोंगरी की जो टीम थी, और प्लस डोंगरी के जो लोग थे इतने सही प्यारे लोग हैं कि वो लोग एज अ टीम काम कर रहे थे हमारे साथ, वो लोग शूटिंग देखने आए थे बट उनको पता है कि हमें शूट नहीं करना है, तो वो अपने मोबाइल से शूट नहीं कर रहे, और कोई शूट कर रहा तो उनको रोक रहे, तो हम लोग 30-40 लोग गए थे, लेकिन पूरा दिन शूट करते करते हम लोग की 200-300 लोगों की टीम हो चुकी थी, कि खुद ही बाइक को रोक देते थे कि भाई शूटिंग चालू है, तो बहुत ही फन था, और बहुत सारा प्यार है डोंगरी से मुझे, तो मुझे लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया शूट में। बस ये दुआ है और हार्डवर्क है, और मैं वही सब चीज़ों को सोचता हूँ कि भाई हर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल है, तो मैं कभी कभी बहुत खुश होता हूँ जब कोई मेरे गाने का कोई लाइन अपनी स्टोरी में डालता है, जब वो नई स्प्लेंडर खरीदता है, तो वो स्प्लेंडर खरीदता है और गाना यूज़ करता है, तो मैं वो देखता हूँ कि ओके मैंने तो बहुत अचीव करने पे ये लाइन लिखी थी, बट इन्होंने एक स्प्लेंडर खरीदने पे लिखी है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हर इंसान का जो लाइफ है उनमें स्ट्रगल है, और वो कुछ भी अपनी लाइफ में बेहतरी कर रहा है, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती है कि जो आपको मिला है, जितना प्यार मिल रहा है लोगों का, तो आपको वो वापस देना है लोगों को, वो फिर आप एंटरटेनमेंट के रूप में दो या आप कोई अच्छी बात के रूप में दो, तो मेरा बस वही पर्पस है कि मैं लोगों को जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है मैं अपने एंटरटेनमेंट से उनको शायद पहुंचा पाऊं। मुनव्वर, गाने में लॉकअप के भी कुछ सीन थे, आपने लॉकअप की जो जर्सी रहती है जो लॉकअप में आपको दी थी आपने वो पहनी थी, आप कुछ बताना चाहोगे? गार्ड्स भी पीछे नजर आ रहे थे उसके बारे में। तो हाँ, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड इट, क्योंकि लॉकअप के गार्ड्स हम काफ़ी अटैच थे, ठीक है ना, और सभी थे, और मैं तो खास करके था कि मैं तुम लोगों से बाहर ज़रूर मिलूंगा, और मैं जब बाहर आया तो मैंने एक हफ्ते बाद जब पार्टी प्लान की तो मैंने सबको बुलाया, अब एक हफ्ता 2-3 हफ्ते के बाद तो मैंने सारे गार्ड्स को बुलाया, मैं उनसे सबसे मिला, एंड देन फिलहाल उनकी जो भी वो उनकी गार्ड्स की टीम थी तो उनके पास कुछ तो प्रॉब्लम उन लोग को फाइनेंशियली फेस करना पड़ा था। यस यस यस, तो मैंने मैं वही तो बता रहा हूँ। तो मैंने सबसे बात की और पता चला कि पेमेंट ऑल्ट से नहीं रुका था उन्होंने तो किया है, और बीच में कोई वेंडर झोल करके चला गया। आई फेल्ट रियली बैड, और स्टोरी वोरी डाल के कुछ फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो चला ही गया, नंगा हो गया कि भाई मेरे पास नहीं है पैसा।
तो मैंने उनको बोला था कि भाई कुछ काम रहेगा तो डेफिनेटली एलसी, तो हम जब प्लान कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना वो सब गार्ड्स को मैं गाने में लेके आऊँ और कुछ एक सीन प्लान कर लूँ ताकि मुझे भी एक बढ़िया सीन मिल जाए और उनको काम मिल जाए। तो उनको मैंने बुला लिया, उनके जो कपड़े थे वो हमने सब अरेंज किए और वो एक सेटअप ही रेडी किया जिससे हम वो दिखा सके लोगों के भाई लास्ट ईयर जो हमने ये किया था उसके बारे में ये। तो जब वीडियो लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ओके ये इतना सीन ज़रूरी क्यों था। तो बस वो अच्छा लगा मुझे। मैं इन लोग बताए थे कि भाई ये चश्मे वाला पठान का सवाल पूछेगा। पठान ने कहीं ना कहीं मुझे भी गलत साबित कर दिया, गलत साबित इस टर्म्स में किया कि मैं खुद सोचता था कि अभी थोड़ी पिक्चर है, जब थिएटर में लोग नहीं जाते तो मैं सोचता था कि यार ये कोविड ने ना लोगों को आलसी कर दिया है, कोविड ने लोगों को अभी मोबाइल पे ही सब कुछ देखने की आदत डाल दी है, तो अभी सिनेमा में कोई नहीं जाएगा। बट वो चीज़ चेंज हो गई कि भाई मूवी इतनी तगड़ी बना दो, और शाहरुख खान की फैंडम ही वो है कि लोगों को जाना ही है देखने, और पिक्चर मैंने देखा, पिक्चर अच्छी लगी। और लास्ट वाला जय हिंद तो मतलब सीटियाँ ही तालियाँ, सीटियाँ और पैसे उड़ रहे भाई। तो इतनी अच्छी मूवी बना है और इंडिया में इस तरह का एक्शन मूवी बन रही है कि हम जब बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं ये सब चीज़ें तो हम बोलते हैं यार इंडिया में ऐसी पिक्चर नहीं बनती, बट हम आ चुके हैं, इंडिया आ चुका है। इसके अलावा लॉकअप 2 को लेके अगर कुछ कहना रहेगा तो आप क्या कुछ कहना है, क्योंकि फैंस चाहते हैं लॉकअप 2 भी हो और आप दिखे फिर से उस शो में। बिल्कुल, जब होगा तो डेफिनेटली जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। ऐसा लग रहा ना कि अभी की बात है, साल भी हो गया। हाँ वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, अभी जा सकते हैं, सिग्नल हो चुका है। नहीं जरूरी थोड़ी है कि मेरा पासपोर्ट है तो मैं वहीं जाऊँ। नहीं लेकिन एंडमॉल तो कॉल करेगा ना आपको। हाँ तो देखेंगे कॉल करेगा तो, तुम्हारे को कॉल करता हूँ मैं, वो कॉल करेगा तो। अभी कब करते हैं लास्ट में, ये तो 20 मिनट का इंटरव्यू कर रहा है ना, लास्ट शॉर्ट आउट हो गया ना प्रॉब्लम। एक सेकंड मेरा ये चालू है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट लास्ट लास्ट। मुनावर इसके अलावा मुंजुली फैंस को अगर कुछ कहना है क्या उन लोग अभी? अच्छा अच्छा, चाहते कि आप और अंजलि कोलैब करें, अगर कुछ अगर फैंस को, क्योंकि हर एक गाने के नीचे कमेंट में लिखते हैं कि हमें चाहिए। डेफिनेटली भाई वो लगता है मेरे को, अभी दो दिन पहले बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई शाहरुख खान के साथ पिक्चर कब आ रही है ना, तो शाहरुख खान मेरे साथ कर नहीं लेगा ना। मैं यही बोलना चाहूँगा कि चीज़ होती है जो साथ में काम करने आप दोनों को एक साथ लेकर आए, और रही बात एज अ एक्टर कोई गाना करने की तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ वो, मैंने दो गाने की हल्की सी बरसात और एक तू ही, उसके बाद मैंने खुद सोचा कि भाई एज अ एक्टर मेरे को गाने नहीं करने, कभी कुछ एक्टिंग का प्रोजेक्ट मिला तो डेफिनेटली मैं काम करने की कोशिश करूंगा, बट कोई गाने तो मैं कर नहीं रहा हूं, तो अभी अपने ही हिप हॉप ट्रैक्स ही बना रहा हूं। थैंक यू। चलो बिग बॉस जितना हो पा रहा है क्लिप्स वगैरह मैं फॉलो कर रहा हूं। किसको, एमसी स्टैन को आप सपोर्ट कर रहे हो? भाई सवाल ही नहीं उठता भाई, एमसी स्टैन को ही सपोर्ट है, क्योंकि भाई ये पहली बात तो, और रियल बंदा है, रियल खेल रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह आपका गेम था, रियल गेम जो आप वो उसी तरह एमसी स्टैन का भी गेम? एमसी स्टैन तो उसको खेलने की भी जरूरत नहीं है ना, वो बैठा हुआ है और गेम खेल रहा है अपने हिसाब से। अपन तो घुस गए थे गेम में, अपन ने तो डिसाइड कर लिया था कि एमसी स्टैन का ऐसा है कि वो दिल से खेल रहा है। और रही बात मैं जैसे गेम खेल रहा था, मेरा तो ऐसा था कि भाई मेरे को दूर दूर तक कोई नहीं चाहिए पास मेरे, कि लोगों को ऐसे बोले ही नहीं कि भाई सीधा यही विनर है यार, दे दो ट्रॉफी ख़त्म करो, तो अपन ने तो वो गेम कर दिया था लोगों का। चलो थैंक यू, और हाँ सबको बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बहुत सारा प्यार आने के लिए, और बस आप लोगों को भी पसंद आए होपफुली ये गाना, और लोगों को भी पसंद आया, प्लीज़ सपोर्ट करना इस सॉन्ग को। और गाना सैज ने प्रोड्यूस किया, हिट जोन मेरे साथ है इसमें, और भी आप वीडियो जब देखोगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और वॉर्नर म्यूज़िक इंडिया इसको रिलीज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू गो सो बिग, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए, और आप लोग सब रुकना जाना मत। हाँ 30 भाई ख़त्म।